नेक्स्ट अप इज एनिमल हस्बेंड्री, यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एनिमल हस्बेंड्री. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर जो होते हैं, ये दो मेन मेथड होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, व्हाट हैपेंस, प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, एंड हाँ, तो ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज अ मेथड वेयर इन नॉर्मल फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हो रहा है, नॉर्मल फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं हो रहा है, तो फीमेल बॉडी में सेमेन इंट्रोड्यूस किया जाता है बाय आर्टिफिशियल मेथड्स, एंड देन दैट पर्टिक्युलर एनिमल इज गोइंग टू गेट प्रेग्नेंट. क्लियर? दैट इज वॉट योर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज. नाउ एम्ब्रियो ट्रांसफर क्या होता है? IVF का नाम सुने हो? क्या होता है वो? What is that? I didn't ask full form. What is IVF? What does the method include? हाँ, so two embryos are extracted, one from father, one from mother. Test tube में plant किया जाता है and then it is transferred into the mother's womb. This is what your embryo transfer is. Clear? Now quality, quantity of animal products, ये सारी चीजों के लिए animal husbandry में भी use किया जाता है. So milk, meat and wool. So not only in humans but artificial insemination and embryo transfer, जो IVF technique मैंने बताया, वो animals में भी होती है, so that better quality of milk, meat and wool can be extracted. Okay? Now human health, human के स्पेक्ट्रम में हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड. सबसे पहले वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन. वैक्सीन होते क्या एग्जैक्टली? मैंने एंटीजन एंटीबायोटिक्स का जब पहले बताया था तो मैंने बोलूंगी मैं वैक्सीन में डिस्कस करूंगी हाउ पहले योर एंटीबायोटिक्स आर मेड एंड हाउ नाउ आर दे मेड. सो व्हाट आर वैक्सीन? वैक्सीन के अंदर जो तुम लोग लिक्विड देखते हो वो होता क्या एग्जैक्टली? किसी को मालूम है क्या? जब तुमको सर्दी होती है, तुम इंजेक्शन लेने जाते हो, तो उसके अंदर क्या होता है? पता है लिक्विड के अंदर क्या होता है? नॉट ग्लूकोज, यस, बैक्टीरिया और वायरस, जो उसी का है, वही बीमारी का है. ओके, नाउ दीज आर गोइंग टू बी डेड और इनएक्टिव. Okay, if you are taking an injection or vaccine for coronavirus or influenza, तो coronavirus का dead या inactive bacteria virus जो रहेगा, it is present into that particular vaccine. Okay, so पहले के time में जब vaccines देते थे तो ये पूरा के पूरा pathogen या पूरा का पूरा virus ही रहता था उसमें, which is going to be dead or inactive and acts against your body immune system. तुम्हारे body immune system को मदद करेगा to fight that डिजीज. बट नाउ वॉट हैपन्स, एक पर्टिक्युलर जीन होता है विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पैथोजन, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पैथोजन एंड देन डिराइव होने के बाद उसको हम लोग इंजेक्शन में यूज किया जाता है. नॉट होल पैथोजन और ए वायरस, बट उसका एक पर्टिक्युलर जीन. क्लियर? वैक्सीन में फॉर नाउ बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड से ये पॉसिबल है कि पूरा के पूरा वायरस हम लोग यूज नहीं करते, पूरा का पूरा पैथोजन यूज नहीं करते, इंस्टेड जो जीन हम लोग को उसका काम का है हम लोग वो यूज करेंगे और वैक्सीन में इंसर्ट करेंगे. ओनली द जीन ऑफ दैट पर्टिकुलर पैथोजन और वायरस इज यूज्ड. क्लियर? नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट. अभी जो ट्रीटमेंट होता है स्टेम सेल्स का, स्टेम सेल थेरेपी काफी चीजों के लिए यूज होता है. So while it comes, when it comes to your treatment of the body, जो hormones होते हैं तुम्हारे body में, insulin, estrogen, progesterone, insulin is used in case of diabetes, है ना, कम ज्यादा होने के लिए insulin देते हैं बाहर से injections के through. So insulin वो हम लोग कहाँ पे produce करते हैं? Lab में, biotechnological methods से, correct? तो देयर वेर योर ट्रीटमेंट जो है उसका डायबिटीज के लिए हम लोग यूज करेंगे और एनी काइंड ऑफ अदर डिजीज. नेक्स्ट अप इज इंटरफेरॉन. नाउ इंटरफेरॉन इज योर स्मॉल साइज ऑफ मॉलिक्यूल
विच इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वायरल इन्फेक्शन. वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इंटरफेरॉन यूज होता है. सो कभी कभी क्या होता है, एक पर्सन का इम्यून सिस्टम इतना कॉम्प्रोमाइज हो जाता है कि इंटरफेरॉन ज्यादा मात्रा में जो है वो बनते नहीं, प्रोड्यूस नहीं होते इन द बॉडी. सो बाहर से इंजेक्शन देकर इंट्रोड्यूस किया जाता है टू दैट पर्सन बॉडी और वो वायरल इन्फेक्शन को फाइट करेगा. ओके, नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट जीन थेरेपी. जीन थेरेपी में कहां से यूज होगा? अब जीन और थेरेपी क्या है? जीन मतलब डीएनए का एक हिस्सा, क्रोमोसोम का एक हिस्सा, करेक्ट. एक पर्टिकुलर जीन होता है. योर जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर फिजिकल एज वेल एज योर इंटरनल अपीयरेंसेस. बाहर के और अंदर के अपीयरेंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है? जीन का, एक पर्टिकुलर जीन का होता है. हाउ योर बॉडी इज मेड अप, हाउ द बॉडी इज ओरिएंटेड, एज वेल एज तुम लोगों को अगर कोई बीमारियां है इन फ्यूचर में तुम्हारी क्या एबिलिटीज है, ये डिस्क्राइब करने वाला जो है वो जीन होता है. सो जीन थेरेपी यहां पे कैसे काम आता है? तुम लोगों के अगर कोई डिजीजेस है विच इज अभी इफ अ पर्सन इज जेनेटिकली इल, जेनेटिकली इल बोले तो कौन कौन सी बीमारी आई? विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग. पेरेंट में जीन हुआ उसकी वजह से ट्रांसफर होके ऑफस्प्रिंग में आया एंड नाउ दैट बेबी विल हैव द सेम डिजीज. ओके, सो दीज आर फ्यू, देर आर फ्यू जेनेटिकली डिजीज विच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम जेनरेशन टू जेनरेशन. अब वो ट्रीट करने के लिए देर इज अ जीन थेरेपी इंट्रोड्यूस्ड इन टू द बॉडी. मतलब जीन को जो एक जो डिजीज अफेक्टेड पर्सन है या जेनेटिकली इफेक्टेड पर्सन है, इल इफेक्टेड पर्सन है, उसके अंदर ये जीन को इंट्रोड्यूस किया जाता है या रिप्लेस किया जाता है. नॉट ऑल टूगेदर, एक साथ नहीं, बट ट्रीटमेंट दे देके द पर्सन इज ट्रीटेड इन सच ए वे दैट दैट जीन्स इज गोइंग टू बी रिप्लेस्ड ओवर द टाइम. क्लियर? नेक्स्ट इज क्लोनिंग. अभी क्लोनिंग क्या होता है? मैंने एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स में बताया था एक छोटा सा हिस्सा फॉर योर क्लोनिंग. जो तुम लोगों के सेल्स होते हैं विच इज आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज पे होते हैं, इसको हम लोग एनी वन ऑफ द सेल मतलब सोमैटिक सेल से फ्यूज करते हैं. सोमैटिक सेल से फ्यूज करते हैं मतलब यहां पे फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट नहीं होगा, इंस्टेड मल्टीपल कॉपीज बनेंगे ऑफ अ सेम थिंग. क्लियर? वेरिएशंस तुमको नहीं मिलेंगे, एक की काफी सारी कॉपीज मिलेंगी. दैट इज व्हाट अ क्लोनिंग इज, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस विथ सोमैटिक सेल्स ऑफ ओवम. फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस. नाउ योर क्लोनिंग इज अ मेथड वेयर इन द न्यूक्लियस ऑफ सोमैटिक सेल्स, न्यूक्लियस ऑफ सोमैटिक सेल्स इज ऑल्सो फ्यूज्ड विथ योर एन न्यूक्लिएटेड ओवम. ओके, मतलब फर्टिलाइज नहीं, एन न्यूक्लिएटेड, जो फर्टिलाइज है ही नहीं उसको, और योर न्यूक्लियस ऑफ सोमैटिक सेल्स, रिप्रोडक्टिव को, रिप्रोडक्टिव सेल्स जो है तुम्हारे बॉडी में उसको छोड़ के जितने भी सारे सेल्स है दोज आर योर सोमैटिक सेल्स. ऑलराइट, सो क्लोनिंग में दो मेथड्स होते हैं, दो मेथड्स नहीं, दो चीजों के लिए किया जाता है, एक तो रिप्रोडक्टिव और दूसरा थेरेप्यूटिक. अभी रिप्रोडक्टिव इज द सेम थिंग जैसे कि जो क्लोनिंग मैंने बताया कि सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस इज फ्यूज विथ एन न्यूक्लिएटेड ओवम. ओके, नाउ क्लोनिंग में थेरेप्यूटिक के अंदर क्या आता है? ओनली दीज आर द सेल्स और द ऑर्गेनिज्म और एनी काइंड ऑफ जीन ओनली प्रोड्यूस व्हेन नीडेड फॉर योर जीन थेरेपी. कोई इलाज के लिए, जीन थेरेपी के लिए अगर रिक्वायर्ड हो तो थेरेप्यूटिक पर्पज के लिए जो रिक्वायर्ड होता है सब सिर्फ तभी ही क्लोनिंग करते हैं, अदरवाइज नो क्लोनिंग. क्लियर? नेक्स्ट अप इज इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी. इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में अल्कोहल प्रोडक्शन फ्रॉम शुगर मोलासेस विथ हेल्प ऑफ ट्रांसजेनिक यीस्ट. नाउ प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल या मोलासेस. अभी शुगर मोलासेस क्या होता है? शुगर केन तो तुम लोगों को मालूम है, दिस इज द सोर्स ऑफ फॉर योर शुगर, जैगरी एज वेल एज समटाइम्स अल्कोहल भी.
तो इसका मोलासेस, मोलासेस मतलब आफ्टर यूजेज, मतलब प्रोडक्ट्स और बाय प्रोडक्ट शुगर कैन के बनने के बाद जो इसका वेस्ट मटेरियल होता है उसको मोलासेस बोला जाता है। अब वो वेस्ट मटेरियल से अल्कोहल बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यीस्ट, ट्रांसजेनिक यीस्ट। नाउ यीस्ट इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड इन सच अ वे कि वो वेस्ट से भी, वो मोलासेस से भी अल्कोहल बना सकता है। क्लियर? नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। माइक्रोब्स आर यूजफुल ऑन लार्ज स्केल वाइल प्रोडक्शन ऑफ कॉम्पोस्ट बाय द ट्रीटमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट मटेरियल। माइक्रोब्स जो होते हैं काफी ज्यादा कॉम्पोस्टिंग के टाइम पे एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी में देर आर गोइंग टू बी मेथड जहां पे तुम लोग एनवायरमेंट को सेव करने के लिए बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड यूज करोगे। सो फॉर क्रिएटिंग कॉम्पोस्ट, कॉम्पोस्ट मतलब कॉम्पोस्ट क्यों यूज किया जाता है आगे बनाने के बाद वो बताओ, व्हाई इट इज यूज्ड एंड वेयर इट इज यूज्ड। खाद के तौर पे यूज होता है ना प्लांट्स को देने के लिए, करेक्ट? कॉम्पोस्ट तो वो बनाने के लिए माइक्रोब्स लगते हैं। इससे पहले के लेक्चर में मैंने बताया था कि कॉम्पोस्ट जब तैयार करते हैं विथ योर पील्स एंड एवरीथिंग, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसके साथ साथ माइक्रोब्स भी डाला जाता है वो पिट के अंदर, और उसको कवर करके छोड़ दिया जाता है सड़ने के लिए ताकि कॉम्पोस्ट तैयार हो सके। सो माइक्रोब्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस और काफी लार्ज स्केल पे यूज होते हैं टू क्रिएट अ कॉम्पोस्ट फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट। नेक्स्ट, बायो रिमेडिएशन, बायो पेस्टिसाइड्स, बायो फर्टिलाइजर्स, बायो सेंसर्स आर सम न्यू कॉन्सेप्ट्स। बायो रिमेडिएशन क्या होता है? रेमेडी मतलब ट्रीटमेंट। बायो रिमेडिएशन मतलब बायो ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिस्ट्रॉयड थिंग। सो बायो रिमेडिएशन सॉइल का हो सकता है, वॉटर का भी हो सकता है ना? अगर कोई एरियाज में सॉइल और वॉटर पोल्यूटेड है या कंटेमिनेटेड है तो उसको रिवर्ट बैक हम लोग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट हैज बीन प्रेजेंट इन योर एनवायरमेंट। इंट्रोड्यूस करके देर आर फ्यू ऑर्गेनिज्म विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ईटिंग ऑयल स्पिल्स ओवर द ओशन, तो वो हम लोग डालते हैं इन टू द ओशन सो दैट जो ऑयल स्पिल है वो क्लियर हो सके। ओके, सॉइल को ट्रीट करने के लिए देर आर फ्यू बैक्टीरिया है, इधर आगे मैं बताऊंगी कौन से बैक्टीरिया है एंड वाई आर दे यूज, वेयर आर दे यूज। नेक्स्ट इज बायो पेस्टिसाइड्स, जो हम लोग केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं उसकी जगह पे हम लोग बायो पेस्टिसाइड्स यूज कर सकते हैं। सो दैट बायो पेस्टिसाइड्स एज इन दीज आर ऑल्सो योर माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर यूज इन प्लेस ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड, सो दैट वो पर्टिक्युलर प्लांट से अनवॉन्टेड पेस्ट दूर रह सके। नेक्स्ट इज बायो फर्टिलाइजर्स, ये मैं बता चुकी हूं। नेक्स्ट अप इज बायो सेंसर्स। नाउ बायो सेंसर्स आर योर अ टाइप ऑफ जीन यू कैन से विच इज ट्रांसफर्ड और इंजेक्टेड इन टू अ प्लांट सो दैट हम लोगों को पता चले कि दैट पर्टिक्युलर प्लांट इज यू नो ग्रोइंग एट अ पर्टिक्युलर स्पीड। सेंसर मतलब तुम लोगों को वो इन्फॉर्मेशन देता रहेगा कि कितने टाइम में कितना ग्रो होता रहा है और कौन से लेवल पे आके इसको बीमारी होने वाली है या हुई हुई है या होगी, समझे? सो बायो सेंसर्स वगैरह ये सारे न्यू कॉन्सेप्ट है इन एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। नाउ सुडोमोनास की स्पीशीज जो है बैक्टीरिया, सुडोमोनास क्लीन हाइड्रोकार्बन फ्रॉम पोल्यूटेड सॉइल एंड वॉटर, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लियरिंग एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू पोल्यूशन इन सॉइल एंड वॉटर। नेक्स्ट अप इज फर्न पर्ट्रिस विटाटा। नाउ ये फर्न प्लांट है, फर्न पीट्रिस विटाटा, ये क्या करता है? अब्सॉर्ब अर्सेनिक फ्रॉम सॉइल। अगर किधर प्लांट किया जाए तो इट विल अब्सॉर्ब, और अगर वो एरिया में अर्सेनिक है, अर्सेनिक इज अ हैवी मेटल विच इज फाउंड इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास या तुम लोगों के ऐसे कोई एरियाज के आसपास जहां पे मेटल का काफी हेवी यूसेज होता है, सो वहां अगर ये तुम लोग फर्न प्लांट करोगे तो इट विल अब्सॉर्ब अर्सेनिक प्रेजेंट इन दी सॉइल। जेनेटिकली मॉडिफाइड इंडियन मस्टर्ड जो है वो सेलेनियम अब्सॉर्ब करता है इन द सॉइल। सनफ्लावर जो है यूरेनियम और अर्सेनिक अब्सॉर्ब करेगा। डिनोकोकस रेडियो ड्यूरांस अब्सॉर्ब रेडिएशन फ्रॉम रेडियो एक्टिव डिब्री। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है
डिनोकोकस रेडियोड्यूरांस, ये इसकी एबिलिटी है कि ये काफी ज्यादा हाईली रेडियो एक्टिव रेजिस्टेंट है. तो मतलब जितने भी रेडियो एक्टिव रेज रहेंगे, इसको एबिलिटी है कि ये एब्जॉर्ब करता है ये. ओके, सो अगर कोई रेडियो एक्टिव एरिया है जहां पे, जैसे बीएआरसी वगैरह, एटॉमिक रिसर्च सेंटर्स वगैरह जिधर होते हैं, तो वहां रेडियो एक्टिव मेटल्स का काफी ज्यादा यूज होता है. तो अगर उसके छोटे मोटे टुकड़े अगर फेंके जाए ऐसे ही लैंड पे, तो दैट इज गोइंग टू कॉज हार्म टू सॉइल एज वेल एज वहां के सेटलमेंट्स में. तो अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, सो इट विल हेल्प टू एन एक्सटेंड दैट इट विल अब्सॉर्ब रेडियो एक्टिव रेज. नेक्स्ट अप इज अल्फाफा, कवर, क्लोवर एंड राई. दीज आर यूज फॉर फाइटो रेमेडिएशन. फाइटो रेमेडिएशन मतलब, फाइटो मतलब वॉटर प्लांट्स, बराबर है ना कि नहीं? और रिमेडिएशन रेमेडी. तो क्या हुआ ये? ट्रीटिंग, ट्रीटमेंट ऑफ नेक्स्ट अप इज फूड बायोटेक्नोलॉजी. अभी ब्रेड, चीज, वाइन, योगर्ट, विनेगर और बियर, ये बहुत पुराने मेथड्स है जो राजा महाराजाओं के जमाने से या उससे भी पहले से चलते आए हैं. तो ये फर्मेंटेशन से बनाए जाते हैं, इंट्रोड्यूसिंग ईस्ट इनटू द कंपाउंड विच वी वांट, और उसको फर्मेंट करने के लिए छोड़ा जाता है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. तो दिस इज द ओल्डेस्ट बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड प्रोडक्शन ऑफ दीज थिंग्स. ब्रेड, चीज, वाइन, योगर्ट, विनेगर, बियर, ये सबसे ओल्डेस्ट मेथड है इन बायोटेक्नोलॉजी. नाउ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज होता है. हाउ हाउ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज यूज्ड? एक पर्सन का, मतलब एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड, इवन फॉर द ट्विंस, मेटर्नल हो या पटर्नल, सबके जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं सबके अलग होते हैं. ओके, सो ये फिंगरप्रिंट्स, अभी तुम लोग आधार वगैरह बनाते हैं ना, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसके लिए लगते हैं ना फिंगरप्रिंट्स. हाँ, तो दीज फिंगरप्रिंट्स आर इंट्रोड्यूस्ड और फीड इनटू द डेटाबेस, गवर्नमेंट डेटाबेस पे ये फीड होता है. नाउ अगर कोई क्राइम सीन होता है और उस पर किसी के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं, तो वो क्या करते हैं, यही डेटाबेस से फिंगरप्रिंट्स मैच कर लेते हैं. दिस इज हाउ द पीपल इज, दिस इज हाउ द पीपल ऑफ दैट क्राइम डिपार्टमेंट इज गोइंग टू नो, आर गोइंग टू नो कि ये पर्टिकुलर पर्सन कल्प्रिट है मर्डर में या सस्पेक्ट है. तो फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक क्या है? ऑल दिस थिंग्स क्या, तुम्हारे फिंगरप्रिंट जो होते हैं, दीज आर टेकन एंड फीड इन टू द डेटाबेस, और कल्प्रिट को पकड़ने में इफ देर इज अ क्राइम सीन काम आ जाते हैं. ऑल्सो बायोलॉजिकली फादर कौन है एक बच्चे का, वो भी पता लगा सकते हैं. इंपॉर्टेंट स्टेजेस इन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, ग्रीन रेवल्यूशन. ग्रीन रेवल्यूशन बोले तो ग्रीन से तुम लोगों को क्या आता है दिमाग में? हरियाली, मतलब प्लांट्स. ओके, सो एम एस स्वामीनाथन और नॉर्मन बोरलॉग जो होते हैं, इन लोगों ने हाईली कंट्रीब्यूट किया था इन ग्रीन रेवल्यूशन. सो काफी सारे मेथड्स थे जो अप्लाई हुए थे फॉर द बेटरमेंट ऑफ क्रॉप्स, टू यील्ड द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, टू प्रोवाइड बेटर क्वालिटी ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप्स. सो जो इम्प्रोवाइज्ड, इसका एग्जाम्पल दिया गया है इम्प्रोवाइज्ड वेराइटी ऑफ वीट एंड राइस. एक इम्प्रोवाइज, मतलब इम्प्रोवाइज्ड हाइब्रिड वेराइटी है वीट और क्रॉप की. इसको बोलते हैं ना कि पानी कम, लैंड कम, लेकिन इसका प्रोडक्शन काफी ज्यादा होता है. ओके, सो देर आर फ्यू सेंटर्स, IARI, NCRI, ITS, NPRI. दीज आर योर इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट, नेशनल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज, नेशनल पोमेग्रेनेट रिसर्च इंस्टीट्यूट. ये सारे इंस्टीट्यूट है डेडिकेटेड टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट. नेक्स्ट इज व्हाइट रेवल्यूशन. व्हाइट रेवल्यूशन से क्या समझ में आता है? मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स. सो डॉक्टर वर्गीस क्यूरियन जो था, उसने प्रूफ किया था एट अ पॉइंट के डेयरी जो होता है, हम लोग स्मॉल स्केल पे नहीं, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जा सकता है. मतलब इसको मेन स्ट्रीम बिजनेस भी बनाया जा सकता है. जो तुम लोग चीज के, या अभी अमूल देखो, गोवर्धन देखो, ये सारे बड़े बड़े कंपनीज है मेन स्ट्रीम बिजनेस में, नॉट ओनली ऐसे रोड साइड की डेयरी है या तबेला है इनका, नॉट लाइक दैट.
सो आनंद डेयरी मूवमेंट इन गुजरात जो था दैट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर वर्गीस क्यूरियन. सो गुजरात में इट आनंद मूवमेंट जो था इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड रिगार्डिंग क्वालिटी कंट्रोल न्यू डेयरी फॉर्मेशन ऑफ न्यू डेयरी प्रोडक्ट्स एंड देयर प्रिजर्वेशन. नेक्स्ट इज ब्लू रेवल्यूशन. नाउ प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल अक्वाटिक प्रोडक्शन फॉर ह्यूमन पर्पजेस और एनी अदर पर्पजेस या बिजनेस पर्पजेस. अक्वाटिक एनिमल्स बोले तो कौन कौन सा है इसमें? फिश ऑल्सो क्रस्टेशियंस जैसे प्रॉन्स लॉबस्टर क्रैप्स. तो इनका फार्मिंग अभी आजकल के टाइम में द प्लेसेस वेर यू गो जहां पे सी साइड है वहां पे यू विल ऑब्जर्व देर आर गोइंग टू बी स्मॉल पॉन्ड्स मेड ऑन अ लार्ज लैंड. देर आर वेरी स्मॉल पॉन्ड्स दैट हैव बीन मेड और वो क्या करते हैं प्रोडक्शन ऑफ प्रॉन्स. तो कल्चर ऑफ फिशेस यानी प्रोडक्शन ऑफ एनी काइंड ऑफ फिश और क्रस्टेशन इज नोन एज पिसिकल्चर. क्या बोलते हैं? पिसिकल्चर. ओके नाउ दिस पिसिकल्चर इज जनरेटेड. अभी जाहिर सी बात है कि ओशन में अभी अगर तूफान वगैरह है तो तुम लोगों के सेलर्स जो होते हैं जो तुम लोगों के मच्छी पकड़ने वाले होते वो जाएंगे अंदर अपनी जान को खतरे में डाल के जाएंगे लेकिन फिर भी तुमको मच्छी अवेलेबल है. हाउ इज दैट पॉसिबल? नॉट स्टोर्ड. दीज ऑल आर कल्चर्ड इन पॉन्ड्स. जो खेती होती है टिपिकली इसको खेती बोला जाता है. सो प्रॉन्स और फिशेस की खेती होती है वहां पे ये लोग कल्चर किए जाते हैं. इसीलिए थंडर स्टॉर्म हो या कोई भी स्टॉर्म हो तुम लोगों को फिशेस ऑल द टाइम अवेलेबल होती है. ऑलराइट. सो ईस्ट एशिया में नील क्रांति मिशन जो 2016 में गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था ये एनकरेज कर रहा था कि जितने ज्यादा हो सके तुम लोग पॉन्ड कल्टिवेट करो प्रॉन्स का फिशेस का रोहू कतला ये सारे जो फिशेस है इनको कल्टिवेट करो क्रैब्स को कल्टिवेट करो तो तुम लोगों को जो है 50-100% सब्सिडीज दी जाएगी. व्हाट आर सब्सिडीज? रिलेटेड टू अक्वाटिक प्रोडक्शन. व्हाट इज इट? अभी तुम लोगों के जो प्रॉन्स श्रिम्स वगैरह होते हैं फिशेस वगैरह ऐसे ही तो ग्रो नहीं हो गए उनको कुछ खाना पानी डालना पड़ेगा ना. हाँ तो खाना पानी आएगा किधर से? गवर्नमेंट देगी. तो 50-100% की सब्सिडीज प्रोवाइड करेगी. सो दैट ये नील क्रांति मिशन था विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 2060s जिसके थ्रू ज्यादा से ज्यादा हम लोग पॉन्ड कल्टिवेट कर सकते हैं और प्रोडक्शन ऑफ श्रिम्स जो तुम्हारे फिशेस श्रिम्स वगैरह है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ सकता है. समझे? तो रेनी सीजन में भी तुम लोगों को ये सारे फिश अवेलेबल हो गए. नेक्स्ट इज फर्टिलाइजर्स. ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मैन्योर और केमिकल फर्टिलाइजर्स दो तरीके के होते हैं. जो तुम्हारे फर्टिलाइजर्स होते हैं ऑर्गेनिक मैन्योर मतलब दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ योर बायो फर्टिलाइजर. ऑर्गेनिक मैन्योर मतलब जो फ्रूट पील्स होते हैं जो फूड रिलेटेड कंपाउंड वेस्ट होते हैं उसको हम लोग यूज करते हैं फॉर एज अ फर्टिलाइजर फॉर योर प्लांट्स या तुम लोगों की खेती में यूज किया जाता है एज अ मैन्योर. और केमिकल फर्टिलाइजर्स वो होते हैं जिसके अंदर हैवी मात्रा में केमिकल्स होते हैं जो प्लांट को कुछ इफेक्ट तक डैमेज कर सकते हैं. नाउ दीज केमिकल्स कैन ऑल्सो एंटर इन टू ह्यूमन बॉडी एज वेल. टू प्रिवेंट दिस लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाते हैं. फार्मर्स जो है ये बीमारियां जो तुम लोगों को होती है उसकी वजह क्या है? केमिकल फर्टिलाइजर्स. तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आजकल के टाइम पे फार्मर्स जो है वो ऑर्गेनिक मैन्योर यूज करना ज्यादा पसंद करते हैं. सो इंसेक्टिसाइड्स यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड अगर कंट्रोल नहीं किया जाए तो ग्रोथ को इनहिबिट करता है प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करता है. पॉइजन ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएगा वो प्लांट के अंदर और उसके थ्रू हमारे बॉडी में एंटर होगा. सो डीडीटी मेलाथियोन आर योर टू मेन इंसेक्टिसाइड्स. ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं दो तीन इंसेक्टिसाइड के जो काफी पॉइजनस होते हैं. नेक्स्ट इज योर ऑर्गेनिक फार्मिंग. अभी ज्यादा पेस्टिसाइड्स हर्बिसाइड्स यूज करने से क्या होता है जो लैंड की फर्टिलिटी है वो भी कम हो जाती है कोई कोई बैरन लैंड भी हो जाती है. सो ये इग्नोर मतलब ये ओवरकम करने के लिए फार्मर्स जैसे कि मैंने बताया कि दे आर ऑप्टिंग आउट एन ऑर्गेनिक मैन्यूअर का ऑप्शन. तो पेस्ट इन्फेस्टेशन फार्मर्स वगैरह जो है पेस्ट इन्फेस्टेशन से बचने के लिए प्लस
लो फर्टिलिटी से बचने के लिए फार्मर्स जो है उन लोगों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग का ऑप्शन चूज किया है, विच इज डिवॉइड ऑफ एनी केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड. यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज नहीं होता है. नेक्स्ट इज एपिकल्चर. एपिकल्चर इज वन वे वेर इन, अगर नॉर्मली जो बीज होते हैं, जो तुम लोग जंगली हनी देखते हो रस्ते पे, तो वो लोग क्या करते हैं, जंगल में जाते हैं, बी हाइव को तोड़ते हैं, हनी एक्सट्रैक्ट करते हैं. ये प्रोसेस में क्या होता है, जो हनी बीज होते हैं, बीज गेट डिस्ट्रॉय. जो हनी बीज, उनकी एबिलिटी होती है प्रोड्यूस करने की हनी को, तो वो ये केस में जो है डिस्ट्रॉय होते, क्योंकि वो लोग आसपास के एरिया में आग लगाते हैं या धुएं से उड़ाते हैं या फिर वो छत, उनका जो बी हाइव होता है वो गिरा देते हैं. सो ये हम लोगों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा, उनकी तादाद भी कम होगी ही होगी, बट देन एनवायरमेंट को भी हार्म होता है. सो टू प्रिवेंट दिस एपिकल्चर इज डन. अभी एपिकल्चर क्या है, कल्चरिंग ऑफ हनी बीज. तो वुडन बॉक्स बनाते हैं, वुडन बॉक्स के अंदर क्वीन बी को लाके रखते हैं, क्वीन बी के पीछे पीछे सारे हनी बीज आते हैं, वहां पर अपना घर बना लेते हैं और हनीकॉम्ब तैयार होता है वहां पे. और जो ये जैसे जैसे तुम क्वीन बीज को शिफ्ट करोगे बॉक्सेस के अंदर, उनके पीछे पीछे वो सारे बीज चली जाएंगी. सो यू कैन टेक दैट बॉक्स आउट एंड एक्सट्रैक्ट हनी फ्रॉम इट. दिस इज व्हाट योर एपिकल्चर इज, हनी बी फार्मिंग बोलते हैं इसको. ओके, नेक्स्ट इज कल्टिवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स. अभी इंडिया के पास सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, मतलब मेडिसिनल प्लांट्स बोलो, जितने भी प्लांट्स वगैरह है, तुम लोगों को ज्यादा तादाद में इंडिया में मिलेंगे. ओके, क्योंकि इंडिया इज अ रीजन वेयर हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी इज सीन. तो पहले के जमाने में क्या होता था, जंगल में जा जाके लोग जो है रेमिडीज के लिए जो वैद्य वगैरह होते थे, वो जा जाके प्लांट्स को तोड़ के लेके आते थे, जिसकी वजह से फ्यू ऑफ द मेडिसिनल प्लांट्स स्टार्टेड गेटिंग एंडेंजर्ड, मतलब नियर टू एक्सटिंक्शन. तो अभी क्या करते हैं, वही चीज को बचाने के लिए, जो तुम लोगों ने ग्रीन हाउस नर्सरी वगैरह देखे होंगे ना, बोटानिकल गार्डन, ये सारे क्रिएट क्यों किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कल्टीवेट कर सके ये मेडिसिनल प्लांट्स को, सो दैट फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय ना हो, नेचुरल रिसोर्स जो है वो डिस्ट्रॉय ना हो, बट वी आर स्टिल एबल टू यूज दिस मेडिसिनल प्लांट इन टू द डेली यूज. क्लियर. नेक्स्ट अप इज फ्रूट प्रोसेसिंग. अभी फ्रूट जो होते हैं, सीजनल फ्रूट्स बोलो या ऑल ओवर द ईयर जो मिलने वाले फ्रूट्स होते हैं, इनकी एक पर्टिकुलर शेल्फ लाइफ हो सकती है. साल भर तक तो मतलब ऐसा नहीं कि वाइटल रहेंगे, एट सम पॉइंट इट इज गोइंग टू गेट राइपन एंड देन रॉटन, है ना. तो उससे बचाने के लिए क्या करते हैं, फ्रूट्स के डिफरेंट डिफरेंट चीजें हम लोग इंट्रोड्यूस किए जाते हैं. कैंडीज हो गए, आम, तुम लोगों ने आम पापड़ी खाए कभी? हाँ, तो वो आम से बनती है. सो फूड प्रोसेसिंग जो होती है वो इंडस्ट्री में, योर एनी काइंड ऑफ फ्रूट इज स्टोर्ड, ड्राइड, सॉल्टेड और टाइटली पैक्ड इन अ कंटेनर, सो दैट ऑल ओवर द ईयर अवेलेबल रह सके. समझे? फिनिश्ड. एनी डाउट्स?